जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं 5 दिन का सदका जो कि हर बुर्ज ने लाजमी देना है। 5 दिन लगातार आपने ये सदका देना है और ये सदका का कोई टाइम नहीं फिक्स, आप ये किसी भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि रात के टाइम आपने नहीं देना। आपने ये सदका किस लिए देना है? जो समझते हैं कि उनकी दुआ नहीं कबूल हो रही, जो समझते हैं उनका रिजक में कमी है, जो ये समझते हैं उनकी शादी नहीं हो रही, जो ये समझते हैं कि उनका बाहर का वीज़े का काम नहीं हो रहा, उनका वीज़ा नहीं लग रहा, उन्होंने ये लगातार 5 दिन लाजमी सदका देना है। और ये सदका क्या है? ये सदका है, उन्होंने सुबह सवेरे ज़्यादा कोशिश करनी है कि सुबह के टाइम उन्होंने बाजरा, सुबह के टाइम उन्होंने बाजरा या चावल लेके उनको दरख्तों की जड़ों में लाजमी डालना है। 5 दिन का ये सदका है, 5 दिन आपने ये लाजमी करना है और ये नॉन स्टॉप करना है, हर बुर्ज ने करना है। हर बुर्ज ने अपनी दुआ की कबूलियत के लिए ये सदका लाजमी देना है। ये किसी भी टाइम दे सकते हैं और इसकी क्वांटिटी कोई नहीं है, ये हस्बे तौफीक। आप हर वीडियो में सुनेंगे कि आपने हर सदका जो है वो हस्बे तौफीक देना है, कोई इसके अंदर लाजमी नहीं कि आपने 10 दिन 10 किलो देना है, 20 किलो देना है, 50 किलो देना है। चावल की कोई तादाद नहीं है, आप मिनिमम मिनिमम जो है वो 900 ग्राम है, चाहे वो बाजरा है चाहे वो चावल है, मिनिमम क्वांटिटी 900 ग्राम है, मैक्सिमम जितना मर्जी कर लें। आपने डेली यानी कि कंजेक्टिव दिन लगातार दिन, अगर एक दिन भी बीच में आपका रह जाता है तो दोबारा आपने 1 से स्टार्ट कर देना है। ये बात जेन में रखनी है आपने कि अगर आपका एक दिन भी बीच में रह जाता है, छूट जाता है, तो आपने दोबारा 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये लगातार लगातार, मैं फिर बात कर रहा हूँ, ये लगातार 5 दिन का सदका है। वो बाजरा भी हो सकता है, वो चावल भी हो सकते हैं, इनको दरख्तों की जड़ों में रख देना है, दरख्तों की जड़ों में फैला देना है और वहां से चले जाना है। कोशिश ये करनी है कि वो दरख्त, वो मिट्टी जहां पे दरख्त उगा हुआ है वहां पे किसी का गुजर ना हो, ताकि ये सदका जो है किसी के पाँव में ना आए। ये बात अपने जेन में रखनी है कि ये सदका आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए है, ये सदका जिनके काम रुके हुए हैं उनके लिए है, ये सदका जो जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, ये सदका जिनका बाहर का वीजा नहीं लग रहा, ये सदका उन बच्चियों के लिए स्पेशली है कि जिनके रिश्ते नहीं आ रहे। तो आपने कोशिश करनी है, 5 दिन का ये सदका लाजमी देना है। इस तरह की और बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लेके आते रहेंगे, जिसके अंदर आपको बताएंगे रेमेडीज के बारे में। एक चीज जेन में रखिएगा, रेमेडीज रेमेडीज जो होती हैं वो सोल्यूशन देती हैं आपके किसी भी काम के लिए, वो सोल्यूशन देती हैं आपके रुके हुए काम के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द, जो सितंबर में सूरज ग्रहण आ रहा है, उसकी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे।